भीषण सड़क हादसे में बाल बाल बचे और बुरी तरह घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ऋषभ को देहरादून के मैक्स अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर की एक बड़ी टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऋषभ की मां अस्पताल में ही मौजूद दिखी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती उनकी ये तस्वीर भी सामने आई। जाहिर है मां की ममता का किसी से मुकाबला नहीं। ऋषभ की हालत को लेकर उनकी मां सरोज बेहद फिक्रमंद है। तभी तो वो बेटे के जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक होने की दुआएं करती दिखी। बता दे कि ऋषभ का 30 दिसंबर 2022 को सुबह 5:15 बजे के करीब रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक ऋषभ को सिर और घुटने में गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा पीठ और पैर में भी चोटें हैं। ऋषभ पंत की गाड़ी में एक्सीडेंट के बाद आग लग गई थी। पंत को एक रोडवेज बस ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकाला था। उसके बाद उन्हें वहीं के सक्षम अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। देश भर में ऋषभ पंत के स्वास्थ्य के लिए दुआएं हो रही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए उनकी मां से फोन पर बात की थी। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऋषभ की मां से बात की थी। धामी ने कहा कि ऋषभ पंत का बेहतर इलाज हो, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है और उनके स्वास्थ्य पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा, तो आप चिंता मत करिएगा। मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ ठीक है माता, ठीक है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।